morning, man. Good morning. अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक. Today I am at your service. Please have a seat. One moment, please. ये है दलिया. दलिया? And there's something more. Please wait. ये है ऑमलेट और ये है कटलेट. अरे देख क्या रही हो, शुरू करो. जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए तुम्हें दलिया ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए. स्वाद है. And now is the time for omelet. ये भी अच्छा है. And this is cutlet. ये ठीक ठाक है. So what यार, ये मैंने थोड़ी बनाया. अरे तो फिर इतना सारा नाश्ता आया कहाँ से? अरे ये तो मैंने पास वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है. मुझे तो ब्रेड का टोस्ट भी बनाने को नहीं आता. तो मैं भी सोच रही थी कि इतना सब कुछ आपने, लेकिन आपने ये सब कब मंगाया? जब आप सो रही थी मैम. अब तो मान गई ना हमारे मैनेजमेंट के खमाल को. हाँ, of course. वैसे मैं मान गई. थैंक्स हर्ष. Oh God. अब कौन कबाब में हड्डी आ गया? मंदा हो गई. हो मंदा आ गई. स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है ना. तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बता देना. बेटा मैं आराम से लेट जाऊं. देखें कहां लगा है. पट्टी बदल देती है, जरा भी दर्द नहीं करेगी. आयुष्यप पर. नहीं नहीं, तू अंदर जाके काम कर. ये है ना मेरा ख्याल रखने के लिए. ठीक है. हर्ष बात कर रहा हूँ. तनु तनु बिल्कुल अच्छी है, बस ये मेरे पास बैठी है. हाँ एक सेकंड. हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? और पापा जी घर पे सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं. सच, आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं कीजिए. और हाँ, प्रवीण के लिए जो आपने लड़की देखी है ना, सिमी, वो निकी की टीचर, वो बहुत अच्छी है.
हाँ हाँ बहुत अच्छी है। हाँ और इस बार आप जल्द से जल्द उनकी शादी करा देना, हम लोग जरूर आएंगे। हाँ हाँ जरूर आएंगे, ये जरूर आएंगे। हाँ फोन करती रहूंगी। बाय मामा। अच्छा हुआ कि प्रवीण मीरा की शादी ठहर गई। कितना मजा आएगा ना, घर में शादी हो तो अंजू बजाय जी की डांस देखने लायक होती है। इतना जोश में डांस करती हैं वो कि पूछो ही मत। हाँ मैं समझ सकता हूँ। और उनके बच्चे वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं, डांस के मामले में लहले पे दहले। सच मामी जी और पापा जी कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग। वैसे भी प्रवीण मीरा को लेकर हमेशा से ही टेंशन में रहते थे। टेंशन? कैसी टेंशन? वही, उनका अलर्टपन देख देख कर बहुत परेशान रहते थे। लेकिन अब वीर जी काफी सीरियस हो गए हैं, अनुपम और वीरेन वीर जी की तरह काम में ध्यान देने लगे हैं वो। रब करे ऐसा ही हो। तुम उन सबका कितना ख्याल रखती हो, है ना? सब लोग हैं ही इतने अच्छे, हमेशा मेरे दिल के करीब रहते हैं। और चिंटू और डिंकी, उनके बिना तो मैं रह नहीं सकती। आपको पता है मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं ना? बहुत बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। जब हमारे होंगे ना तो देखना मैं कितना प्यार करूंगी उनको। उनको? अरे भाई कितने बच्चे चाहिए तुमको? यही कुछ आधा दर्जन। ओ गॉड। आधा दर्जन बच्चे? अरे वाह, फिर तो अच्छा है, मेरे को भी अच्छा है। मैं 6 साल तक इधर ही रहेगी, फिर कोई काम ढूंढने का जरूरत ही नहीं है मेरे को। साहब काम पे जाएंगे और हम दोनों 6-6 बच्चा लोग को संभालेंगे। अच्छा तनु, जरा ये बताना चिकन को कितना फ्राई करना है? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, आप वहाँ सारा काम कर रहे हैं और मैं यहाँ महारानी की तरह बैठी हुई हूँ। अरे तुम तो हो ही मेरी महारानी, तुम बस हुक्म किए जाओ, बंदा तामील किया जाएगा। अच्छा भाई अब ये बताओ चिकन में नमक कितना डालना है? 1 छोटा सा चम्मच और सारे सूखे मसाले मिलाकर डाल देना एंड करछी को लगातार घुमाते रहना, समझे? ओके मैडम। गॉड अब इस वक्त कौन आ गया? अरे शीतल भाभी आप। हाँ, तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। आपको पता है भाभी आज खाना मैंने भी बनाया है। अच्छा? गर्मा गर्म स्पेशल मसालेदार तंदूरी चिकन। तनु अच्छा है खाना बनाना सिखा रही हो। पर देखना बाद में भी ऐसे ही बनाते रहे। वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हर्ष तुम्हारा चिकन कुछ ज्यादा ही फ्राई हो गया है। ओह गॉड मुझे लगता है जल गया, मैं चेक करके आता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ। पहले भी कभी बनाया है?
हाँ तो पेश है गर्मा गर्म मसालेदार तंदूरी चिकन। देखने में तो अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा जल गया है। प्यार में चीज नहीं, भावना देखी जाती है। पर भले लोगों, ये रोज रोज जला हुआ चिकन तो नहीं खा सकते ना, इसलिए जब तक तनु की तबीयत सही होती है रोज खाना बनाकर मैं भेज दिया करूंगी। अब तुम दोनों लव बर्ड्स बैठ के खाना एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। इट्स ओके, गुड नाइट। थैंक्स अ लॉट। मैं आपको छोड़ने आता हूँ। हाँ। बाय। थैंक यू सो मच। तुम आराम करो, मैं चेंज करके आता हूँ।
हर्ष, हर्ष उठिए ना, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तनु, एक मिनट बैठो यहाँ पे। हाँ जी। हुआ पता नहीं कैसे, ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा, लेकिन अब चलिए आप उठिए वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चलिए उठिए ना। अरे आ रहा हूँ। प्लीज उठिए वरना आपको लेट हो जाएगी। आ रहा हूँ। चलिए अभी। ओके चलो। चाहती हो कि मैं ये पहनूं? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि मैं ये कलर्स नहीं पहनता। मैं हमेशा से ही आपको कहना चाहती थी कि ऐसे कलर्स आप पर बहुत जचेंगे और ये कंट्रास्ट ये तो आप पर कमाल का लगेगा। वैसे आपसे एक बात कहूं, इंसान को अपने कपड़े दिन या हफ्ता देखकर नहीं अपना मूड देखकर पहनने चाहिए। टेरिफिक आइडिया। फिर तो इंसान को काम भी वही करना चाहिए जो उसका दिल कहे, ना कि वो जो उसकी डेली रूटीन में शामिल है। अब मैं डिसाइड कर लिया है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, पूरा दिन बस तुम और मैं। अब कौन आ गया?
मंदा होगी। ओह गॉड, मंदा फिर हो चुकी मेरे मन की मुराद पूरी। तो फिर बदलिए, अपना मूड बदलिए और फिर से काम पर लग जाइए। ओह नो 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 नो, तुम देखो मुझे ऑफिस से लौटने दो, फिर देखना कैसे यही मूड कंटिन्यू करता हूँ। चलते चलते